हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम भाई भी आए हमसे, मसीम साहब भी उनसे आज जो हम इस्तेजाज कर रहे हैं अपने कायदे मोहतरम सैयद परवेज मुशर्रफ साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की वजह से हम इस्तेजाज कर रहे हैं। आज जो फैसला आया उनके खिलाफ, यानी कि जिन लोगों ने मुल्क को चुराया है, अरबों रुपए खा गए हैं, नवाज शरीफ जरदारी वो तो आराम से मुल्क से बाहर चले गए 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, पाक फौज जिसे मैं आज जो अगर हमारा मुल्क कायम है तो वो सिर्फ पाक फौज की वजह से कायम है, और ऐसे शख्स को आप जो है फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो कुछ तो मैं यही कहूँगा कि उसमें क्या कहूँ, अदालत को क्या कहूँ मैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है हमारे कायद के साथ। और अचानक ऑल ऑफ अ सडन फैसला सुना दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ अगर ट्रायल इस तरह चल रहा है, ये नेशनली भी और इंटरनेशनली भी एक बिग कॉज ऑफ कंसर्न और क्वेश्चन मार्क है ऑन फेयरनेस एंड ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ऑन दिस ट्रायल। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रायल था, और फिर इस केस को कंक्लूड करते हुए जो तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर्स और फेयर ट्रायल एक हक होता है हर शख्स का एक राइट है, सो फेयर ट्रायल का ना मिलना ये अफसोस की बात थी।